अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। इससे पहले हमने एक व्लॉग इस पे दिया था कि आप रात को भी डीएचए वैली के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे उस एरिया से जो कि अभी अनडेवलप्ड है। लेकिन अब करेंटली मैं एक ऐसी रोड से गुजर रहा हूँ जो कि मैग्नोलिया से कनेक्ट करेगी रोज़ ब्लॉक को, और बाय चांस मुझे यहाँ पे दोबारा आना था तो बिल्कुल नेक्स्ट डे 13 अप्रैल 2021, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी एक वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों को ये दिखा दिया जाए कि दिन में भी कितनी डेवलपमेंट हो रही है। हमारा काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगा है, कल भी चक्कर लगा था रात को, लेकिन बहुत कुछ नज़र नहीं आ सकता था डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन दिन में हमारा चक्कर लग गया बाय चांस। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंस, यानी आप ऑफ एंड ऑन जब देखते हैं तो आपको पता चल सकता है कि कितनी डेवलपमेंट है या क्या डिफरेंस है उसका। तो डेफिनेटली हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने मुतादद डीएचए वैली के अंदर विजिट से। तो ये रोड तो अब करेंटली जिस रोड के ऊपर हूँ ये तो पुराने जैसी ही है, लेकिन मैग्नोलिया से आप जब रोज़ को कनेक्ट करते हैं तो ये स्पेसिफिकली वो रूट होता है। वेलकम बैक, ये हम स्पेसिफिकली रोज़ ब्लॉक के एरिया के से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बहुत पहले काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन इधर की डेवलपमेंट टू बी एग्जैक्ट पुरानी है। ये रूट ऐसे ही हम काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है 2 साल तो हो गए होंगे इस रूट को बने हुए और डेवलप हुए हुए। ये रूट डेवलप किया था जो इससे पहले कर्नल साहब इसको डेवलप कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली तो अभी उनका नाम याद नहीं, अभी बिल्कुल जहन में था और नाम मैं उनका भूल गया, लेकिन वो कर्नल साहब इसको डेवलप कर रहे थे, अभी जनरल नवीद साहब इसको डेवलप कर रहे हैं इस एरिया को। लेकिन लग ये रहा है कि स्पेसिफिकली इस एरिया के अंदर रोज़ ब्लॉक के अंदर कोई ख़ास पेशरफ नहीं है, जो ज़्यादा इनकी वर्किंग चल रही है डी एच ए होम्स की तरफ चल रही है। डी एच ए होम्स के अंदर सुनने में ये आ रहा है कि जून में तकरीबन 450 फर्दर घरों को डेवलप करेंगे, तो वो तमाम लोग के जिन लोगों को घर अभी बैलेट नहीं हुए या बने नहीं हैं, तो उनके लिए भी एक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद की लहर आएगी। फिर 40 घर ऐसे हैं कि जो कि अभी तक बैलेटेड नहीं है, यानी वो उनमें कंसिडर होंगे जो कि अनबैलेटेड फाइल्स हैं, तो वंस अगेन उन लोगों के लिए कुछ बेहतरी है। फिर जैसे कि बहुत सारे एफेक्टिस से डी एच ए ने वादा किया था कि जून में कुछ प्रदर्शन आएगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो बुलेवर्ड बन रहा है इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो बुलेवर्ड कनेक्ट कर रहा है ओलियंडर और मैग्नोलिया को, तो उस रोड के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, वो अपने कंप्लीशन के ऊपर है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली पोजेशन एरिया मैग्नोलिया ब्लॉक होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये वो बुलेवर्ड है जो कि ओलियंडर और मैग्नोलिया को कनेक्ट करेगा, और इसके ऊपर काम हो रहा है। दिस इज़ मंडे 13 अप्रैल 2021, और इधर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अनकरीब ये कनेक्टिंग रोड बन जाएगी और आसान एक्सेस बन सकेगी डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन की और डीएचए वैली की, और शायद डीएचए होम्स वाले भी आसानी से कनेक्ट कर सकें, यानी रवात ऑल द वे, रवात और कलर सईदा रोड पे जाने के बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर सकें। तो मुमकिन है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रेट्स का डिफरेंस हो इस एरिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, अब हम एंटर कर रहे हैं, हमारे राइट पे ब्लू बेल सेक्टर है, जो ये आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है ऑन द राइट, तो ये ब्लू बेल सेक्टर है, और ब्लू बेल सेक्टर बहुत हद तक डेवलप्ड है। लेफ्ट के ऊपर और जिस एरिया से हम आए हैं वो रोज़ ब्लॉक है, लेफ्ट के ऊपर कुछ 4-1 गलियाँ डेवलप्ड हैं रोज़ ब्लॉक की, और यहाँ से अभी हम अप्रोच करेंगे धदोचा डैम को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो कलर सईदा रवात रोड है वो अभी कुछ डिस्टर्ब्ड है, कुछ इश्यूज़ की वजह से वो ब्लॉक्ड है, कोई वहाँ पे हड़ताल वगैरह इस तरह का कोई सिलसिला है, तो वहाँ से हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते अपनी। बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मुझे डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन नज़र आ रहा है, और डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर भी प्राइसेस के अंदर डीएचए वैली से कई गुना ज़्यादा डेवलपमेंट है, कई प्रोग्रेस है कई गुना ज़्यादा, और वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। लेकिन हम अब करेंटली इस एरिया से एक्सेस करेंगे, ये करेंटली हम एंटर कर रहे हैं रोज़ ब्लॉक के अंदर। हमारे बिल्कुल सामने आप एक डेवलपमेंट देख सकते होंगे डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन की, मैं इसको जूम इन करता हूं तो आपको ये डेवलपमेंट अगर आप देख सकते हो, डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन बिल्कुल मेरे अक्रॉस
यहाँ पे एक रिवर बॉडी है उसके अक्रॉस शुरू होगा, यहाँ से हम एंटर करेंगे धरोचा डैम एरिया के अंदर। यानी ये भी एक ऐसा एक्स्ट्रा रूट हो सकता है कि जिसको आप कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे वाले आने वाले दौर में तो डेफिनेटली ये कनेक्टिविटी बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे सामने जेवी सेटअप आ रहा है, यहाँ से तमाम अहकाम जारी होते हैं कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, या DHA और बहरिया ने जॉइंटली किस एरिया को पे काम करना है, किसकी मशीन्स यूज़ होंगी, और यहाँ पे इस तरीके से इनका सेटअप है, वर्कशॉप है मशीन्स की, और काफ़ी स्टाफ, जितना डेवलपमेंट हमें सामने नज़र आ रही है तो काफ़ी स्टाफ यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे जो वाटर बॉडी है धदोचा लिंग रिवर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वीडियो में तो इतना क्लियर ना हो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर पानी इतना कम है, लेकिन स्पेसिफिकली हम एंटर कर रहे हैं वंस अगेन डैम साइट के अंदर, के मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले वक्तों के अंदर शायद 5 साल में या 6 साल में इस जगह को ऐसे ना देख सकते हो आप, और अपनी गाड़ी ना चला सकते हो। हाँ ज़रूर, लेकिन बोट्स वगैरह ज़रूर चला सकेंगे और यहाँ पे घूम फिर सकेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। ये मेजेस्टिक डैम साइट, यानी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त वैली है और बिल्कुल नेचुरल कप बना हुआ है, तो यहाँ पे एक बड़ा तरीन डैम आने को है और उसके ऊपर FWO काफ़ी वर्किंग कर रही है। सामने आपको अगर डेवलपमेंट में दिखा सकूँ इस पैच के ऊपर, तो यहाँ पे भी कुछ अर्थवर्क और कटिंग हो रही है, FWO इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, और ये भी कुछ FWO की मशीनरी खड़ी हुई है अगर आप इसके ऊपर देख सकें, तो यहाँ के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है, तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको स्पिलवे भी दिखाता हूँ। अब FWO का काफ़ी यहाँ पे स्टाफ है, अभी खाने शाने का टाइम है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है। वो सामने ट्यूलिप सेक्टर का वो यादगार ब्रिज है जो पिछले 25 साल से बन रहा है, इतनी पुरानी DHA वैली नहीं है जितना पुराना ये ब्रिज है। और ये सामने रवात इंडस्ट्रियल जोन हमें नज़र आ रहा है, स्पिलवे में आपको अभी दिखाऊँगा। अगर इस ब्रिज के बिल्कुल हम आगे देखें तो कुछ हमें डेवलपमेंट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, राइट साइड पे भी कुछ वाटर बॉडी है, मेरे लेफ्ट पे भी कुछ वाटर बॉडी है, लेकिन वो स्पेसिफिक एरिया अगर हम देख सकें वहाँ पे काफ़ी कटिंग हुई भी है अभी एग्जैक्टली वहाँ पे कोई मुझे गाड़ी है सच नज़र नहीं आ रही, हाँ कुछ ना कुछ है, तो वो है स्पिलवे की साइट जिसके ऊपर काम हो रहा है, काफ़ी कुछ मशीनरी काफ़ी नीचे करके लगी हुई है, मैं आपको कुछ जूम इन करके इस पर दिखाता हूँ, अगर इस मशीनरी को देख सकें तो यहाँ पे स्पिलवे के ऊपर काम हो रहा है और धदोचा डैम की कंप्लीशन है। सो ऑल्दो मैं अप्रोच करने लगा हूँ DHA फेज 5 को, रवात इंडस्ट्रियल जोन के अंदर एंटर करने लगा हूँ, बताने का मकसद ये था, ये जो रैंडम हमारे दो व्लॉग्स बने, एक कल का व्लॉग और एक आज का व्लॉग, जो रैंडम व्लॉग्स बने, एक 12th अप्रैल का, एक 13th अप्रैल का, तो उसके ऊपर हमें ये पता चला कि DHA वैली या DHA फेज 2 एक्सटेंशन फेज 6, बोथ दीज फेजेस हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और ये चीज़ नज़र आती है। आज भी इसको हम ये देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा है, और एक अच्छा रियल्टर वही हो सकता है कि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके कि भाई ये फलानी चीज़ है बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, इसके ऊपर आज इन्वेस्टमेंट कर लें और कल इसके अंदर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा या गेन हो जाएगा या बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा, तो इसके अंदर अभी इन्वेस्ट कर लें। तो DHA वैली या DHA फेज 2 एक्सटेंशन वो स्पेसेस हैं कि जिसके अंदर आप आज इन्वेस्ट करें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा एक सर्टन प्रोडक्ट को लें। बैलेटेड फेज 2 एक्सटेंशन इज़ वेरी गुड, क्योंकि अनबैलेटेड के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि आपको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर बैलेटेड DHA वैली की फाइल या घर इस काबिल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनको आप लें और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम।